मैं रजनी तिवारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अछूत रखूंगा। योगी मंत्रिमंडल में दानिश आजाद अंसारी जो कि मंत्री बनाए गए हैं वो हमारे साथ हैं। दानिश भाई अल्पसंख्यक तबके से आते हैं और सरकार में भी अल्पसंख्यक हैं आप। एक ही मंत्री हैं जी, एक ही मंत्री है, लेकिन वो पूरी ईमानदारी के साथ मुसलमानों के लिए और नौजवानों के लिए काम करेगा। और आप आज पहला दिन है और आज ही से हमने बैटिंग शुरू कर दी है। योगी जी ने हम सबकी मीटिंग ली सारे मंत्रीगण की और उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि हमें अपने दिनचर्या का एक एक मिनट समाज के उत्थान के लिए काम करना है। तो निश्चित तौर पे आज पहले दिन से ही हम लोग वर्क मोड में आ गए हैं और आगामी 5 साल में हमारी कई सारी योजनाएँ हैं जिससे आम जनमानस को बहुत अच्छा लाभ होने वाला है और योगी 2.0 इस बार सुपरहिट होने वाला है। माइनॉरिटी में बड़ा डर रहता है ना, तो उस डर को कैसे, खौफ को कैसे दूर करेंगे? बीजेपी से जुड़ाव महसूस नहीं करता माइनॉरिटी तबका। माइनॉरिटी तबका अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है क्योंकि 2017 से पहले आप देखिए जो सपा बसपा कांग्रेस थी उन्होंने एक भ्रम फैलाया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर 17 में सरकार में आ गई तो मुसलमानों का बहुत बुरा करेगी। लेकिन पिछले 5 साल में मुसलमानों ने ये देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के विकास के लिए काम कर रही है। तो उनके अंदर जो भ्रम फैलाया था, जो कन्फ्यूजन फैलाया था विपक्षी पार्टियों ने अपना राजनीतिक एजेंडा सेंकने के लिए, वो भ्रम वो कन्फ्यूजन अब टूट चुका है। अब मुसलमान जान चुका है कि उनका जो वाकई उत्थान का काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप राशन का उदाहरण देख लीजिए, पिछले 2 साल में 2.5 साल से जो राशन मिल रहा है वो बिना भेदभाव के मुसलमानों को उसको ज्यादा लाभ मिल रहा है। मैं अल्पसंख्यक बस्तियों में गया चुनाव प्रचार के दौरान, मैंने देखा कि जो राशन का जो सबसे बड़ा करीब 38-40% जो योजनाएं हैं उसका सीधा लाभ आम मुसलमानों को मिल रहा है। तो इससे मुसलमानों के अंदर योजनाओं का फायदा तो मिल रहा है लेकिन राजनीतिक नुमाइंदगी बहुत कम है। नहीं, राजनीतिक नुमाइंदगी, मैं एक इतना यंग हूं और आज मुझे मिनिस्टर वो भी आप चुनाव लड़के मतलब टिकट वितरण में हिस्सेदारी नहीं। ये पार्टी का फैसला है, पार्टी जो भी फैसला करे वो मंजूर है। आप ये देखिए विभिन्न निगम बोर्ड आयोगों में 50 से ऊपर अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्यगण हैं, तो वो भी तो हमारे मुसलमान के नुमाइंदे हैं, वो भी तो आम मुसलमानों के बीच में काम कर रहे हैं। उर्दू अकेडमी है, अल्पसंख्यक आयोग है, वक्फ बोर्ड है, तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को भेजा है ताकि मुसलमानों के उत्थान के लिए काम हो सके। तो दानिश आजाद रिजवी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों से कोई दूरी नहीं है बल्कि उन्हें नजदीक लाने की लगातार बीजेपी कोशिश करती रहती है। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।